हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गढ़वाली नौनी में। और आज हम इस तरीके से सज धज के तैयार हुए हैं कि आज हमारे ठोसु है, यानी कि जो हमारा दैविक है वो हो चुका है एक साल का, और आज उसका बर्थडे है। हम लोग सभी को उन्होंने इनवाइट किया है पूजा पे, और शाम को पार्टी है, तो पार्टी का वीडियो भी बनेगा। और अभी हम लोग पूजा में जा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं वो आपको दिखाऊंगी आगे। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे, और मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये है बहुत दूर पहाड़ों से आई हुई कुकू की मौसी। हाँ। और बेचारी कंफ्यूज हो रही है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, पर बड़ी प्यारी लग रही है। और मेरे पति ने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी है और लगे पड़े हैं तब से, चलो चलो चलो, बहुत लेट होती है मेरे पति। ये देखिए आज सासू माँ भी चमक रही हैं, और ठोसू के लिए आई है ये बाइक। और ये देखिए हमारी सासू माँ कितनी प्यारी लग रही है, आज नई नई ज्वेलरी पहनी है स्पेशल ठोसू के बर्थडे के लिए। राहुल बड़ी मुश्किल से उठे हैं, लेकिन उठते ही मेरे पति को जो कबलाहट होता है, यानी कि बेचैनी होती है कि जल्दी करो क्या ही बताएं, तो फटाफट पहुँचते हैं उनके घर, वरना मेरे पति का गुस्सा सातवें आसमान पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 20 रुपये सवारी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, गाड़ी ये है ठोसू की गाड़ी। गाड़ी में लेके जा रहे ऐसे भी करो वैसे भी करो, मेरे पति मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं यार, कभी आप तो बताओ मुझे कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को क्या देखना पसंद है, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इनके दिमाग से तो कुछ भी नहीं चल रहा, शायद आप लोगों की एडवाइस से ही कुछ हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ठोसू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुकू को हैप्पी बर्थडे विश करने के चक्कर में तो हम आपको दिखाना भूल गए, ये जो डेकोरेशन की है कुकू के मम्मी पापा ने सुबह 3 बजे तक किया, उसके बाद सोए हैं, नहा धोके इसको तैयार किया है। अब देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, उड़ने के लिए तैयार है, चलो इससे बात करते हैं। ओहो छोशू कैसा लग रहा है, फिर 1 साल के हो गए आप, बुढ़े हो गए आप तो, आप बुढ़े हो पर दांत नहीं है ना, क्या किया जाए बताइए आप इस बच्चे का, ना ये हंसता है बच्चे रोता रहता है, और कैसे घूर रहा है खुद को, है ना कोई रिएक्शन नहीं है, तो अभी देखते हैं शाम को पार्टी में ठोसू जी कैसे रहते हैं, ये देखने वाली बात है ना। हेलो गाइस, मेरे बर्थडे में सबके सब जरूर आए और मेरी वीडियो को भी देखें, है ना। अभी कुकू नहा धो के तैयार हो चुका है और आ चुका है, और इन दोनों की तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है कुछ ना कुछ, इनको पूजा से कोई मतलब नहीं है, और बन्नी भी बोर हो रही है तो ऐसे लेटी पड़ी है। और फिर ये जो हम साइकिल लेके आए हैं कुकू के लिए, तो एनो का मन कर रहा है तो एनो चलाई जा रही है, लेकिन अभी देखिए कुकू अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए और रोने लगे, क्योंकि उसे गर्मी लग रही है, भूख भी लग रही है, उसकी मम्मा बिजी है तो थोड़ा सा हो जाता है ना, बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। और यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मंत्र उच्चारण इतने ज़ोर ज़ोर से थे, इसलिए मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके सब कुछ समझा रही हूँ। तो अभी कुकू को सब लोग शांत करा रहे हैं, तो ये सब होने के बाद ना हमने सोचा क्यों ना जरा मन्नी के बारे में पूछ लेते किसी शादी कैसे होगी, तो बस यही है घर के लिए, क्योंकि पूजा तो ख़त्म हो चुकी है और जो कुकू ने आतंक मचाया वो भी आपने देख ही लिया होगा। अब हमें भी काम है बहुत सारा, तो शाम की पार्टी की तैयारी करनी है, मिलते हैं आपसे शाम को। तो ये मैंने मेकअप किट निकाला है और ये बंद कर दिया क्योंकि मैं मेकअप कर चुकी हूँ, तो अब आप मेरा फाइनल लुक देख लीजिए। मैं मेकअप का पूरा वीडियो बनाना भूल गई यार, पर फिर भी आप बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। ये साड़ी मुझे राहुल ने बर्थडे पर गिफ्ट करी थी, उस टाइम मैं सिलवा नहीं पाई, तब कुकू के बर्थडे पे काम आ गई। यार बताए मेरे को भी 1 घंटा हो गया तब से तैयार हुए बैठे हुए, अभी देखो बाइक की आवाज़ सुन रहे हैं, राहुल तो निकल गए क्योंकि अब जो मतलब जहाँ पर जो बैंकवेट है वहाँ पर जीजा जी लोग पहुँचे नहीं हैं अभी, क्योंकि इनू की मम्मी मेकअप करने आने गई थी, पार्लर गई थी, तो टाइम लग गया उनको, और 8 बज गए हैं। इनू को मैंने 5 बजे तैयार किया, 4 बार उसके बाल बना चुकी हूँ, खुद 1 घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ। अभी पापा उन दोनों को छोड़ने गए हैं घर पर, फिर आएंगे, फिर हम जाएंगे। और अभी तो मैं ऊपर भी नहीं गई कि ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ऐसा ही है, पर बड़ा अजीब सा सिस्टम है दिल्ली का, बस जाओ खाओ और तैयार हो गए, बस ऐसे लतर पतर बन के जाओ, बस ऐसे तो मज़ा गांव में आता है यार, गांव में तो बहुत मज़ा आता है बर्थडे हो किसी का, कैसे भी चलो घूमो नाचो, खाओ, खाने का भी कोई मतलब नहीं, बस नाचते रहो कुछ मतलब मस्ती करो घूम, तो जाके देखते हैं यार कि कैसा है। और आपको तो मैं दिखाऊंगी ही कि क्या बना है क्या नहीं बना है, तो वो चलो देखते हैं आज सब लोग कैसे लग रहे होंगे, वो पार्टी में जाके दिखाऊंगी आपको, अभी मैं भी वेट कर लेती हूँ।
तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर से, और प्रे करिए यार हमारा मेकअप सही रहे। तो ये देखिए मैं और राहुल बाहर वेट कर रहे हैं, और मतलब लोग आ रहे हैं तो उनका वेलकम कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए यहाँ पर हमारे कुकू का बर्थडे मनाया जाएगा, तो देखिए हम सब लोग तैयार हो गए। मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। दीदी ने तो स्पेशली अपने बाल स्ट्रेट करवाने गई थी। और ये हमारे छोटे से नवाब को भी देखिए, भैया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भैया मेरे जेठ जी है, मैं चीकू की बात कर रही हूँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, बहुत हो गया मस्ती मजाक। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, ओ भाई मैं तो डर गई, क्योंकि सब लोग मुझे एकदम ऐसे देख रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ही लोग सजेदज हैं। लोग तो सिंपल से बन के आए, लेकिन हम मामियाँ हैं यार, हमारा तो बनता है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके की डेकोरेशन है, और दीदी ना मुझसे पहले ही पहुँच गई, फोटोशूट चल रहा है। और मेरे चीकू को पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया, रोने लग गए, तो मैंने भी इधर उधर नहीं देखा, फटक से नीचे बैठ गई, ताकि यार अच्छा लगे ना कि हम भी गेस्ट हैं। और इधर देखा तो अभी लोग वो मतलब ठोस लोग पहुँचे ही नहीं, कुकू कुकी मम्मी कोई नहीं पहुँचे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहीं पे केक कटेगा और ये स्नैक्स वगैरह सब लोग ये लोग रेडी कर रहे हैं। और चलो, तो मैंने सोचा कि यार वेट करने से अच्छा है कुछ खा पी लेती हूँ, थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस भी हो रही थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने पिया ये फैंटा, तो अच्छा लगता है मुझे फैंटा काफ़ी, तो मैंने यही पी लिया सबसे पहले। बेचारे कैमरे वाले भैया भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएँ गेस्ट। पर फिर दीदी ने सोचा चलो मैं ही इनसे अपनी फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, तो मैंने बोला दीदी आप लोग फ़ोटो खींचते रहो, हम कुछ खा पी लेते हैं। तो हम लोगों ने ना आराम से ये स्टार्टर जो भी होता है वो खाया हमने, बहुत सारी चीज़ें थी इतनी देर में। फिर ताऊजी ताईजी भी आ गए, तो हमने कहा चलो यार ये भी आ गए। तो फिर कुछ टाइम बाद आ चुके हैं हमारे दैविक महाराज जी और उसकी मम्मी पापा। तो ये देखिए क्या एंट्री हुई है हमारे कुकू की, तो वो सोच रहा है कहाँ आया हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा था जो भी था, मतलब एंट्री वगैरह बहुत अच्छी थी। और अब फटाफट जैसे ये लोग आए तो केक कट करना स्टार्ट कर दिया सबने, तो सबने बोला फटाफट करो, और हम चिल्लाए हैप्पी बर्थडे टू सू, हैप्पी बर्थडे दैविक, और जिसको जो नाम अच्छा लगता है सब वैसे सेलिब्रेट करे थे। और कुकू के लिए भी ये नई नई चीज़ थी, तो वो ना मतलब एक चीज़ और बतानी है आपको कि हमने ना कुकू की मम्मी को पहले ही बोला था कि आप रोज़ ना एक हफ्ते पहले से ना उसके सामने चिल्लाओ हैप्पी बर्थडे, तो उसको ना जब हम लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो उसे इरिटेट नहीं होगा और वो खुश हो गया। तो बस यही सब हम कर रहे थे और वो इंजॉय कर रहा था। तो केक भी बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और तारीफ करें अब इनू की मम्मी की, तो इनू की मम्मी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यार। इन्होंने बहुत नाच नचा है इन कपड़ों के लिए और ये सब कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये देखिए मैं आपको केक ना पास से दिखाती हूँ, कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा है और टेस्टी भी बहुत था। तो सब लोग अब फोटो शूट करा रहे हैं, तो मैंने सोचा यार फोटो शूट तो होता रहेगा, यार डीजे बहुत जल्दी बंद हो जाता, तो हम लोगों ने कहा चलो पहले डांस कर लेते हैं। और कुकू मैं डांस कर रहे थे, ये देखा देखी सब लोगों ने कहा चलो यार हम भी चल लेते हैं। फिर हम मैं और मम्मी तो बाद में आई, दीदी सब लोग डांस करने लग गए, और ये हमारी चीकू भी डांस करने लगे। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर फिर भी उसने फुल इन्जॉय किया है। तो ऐसे ही फिर सब कुछ होने के बाद हमें मतलब टाइम भी हो गया था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना खाना खा लेते हैं। खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें मैं खा नहीं पाई, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, मतलब बहुत मज़ा आया हमें, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और राहुल को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि राहुल खाने में बिजी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को सिर्फ खाने दे इस टाइम। देखिए हम लोग कितना मेकअप करते हैं, और हमारा मेकअप उतर चुका है, कितना नाचे गए हम। बाकी ये भी कुछ कहना चाहते हैं कि तो की बात भी सुन लीजिए। बोलो भाई, मैं ही बोलूँ, बोलो भाई। हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने, वैसे इनकी बैटरी हमेशा लो होती है, पर आज चार दिन की बैटरी, वो ऐसे कह रही मैं आज बहुत नाची हूँ। यहाँ भी कैमरा जूम किया जाए तो सबसे ज्यादा नाचे हैं, बीमार तो थी पर आज इनके नवासे का फर्स्ट बर्थडे था इसीलिए। वैसे ही अभी कैमरे में चमक रही है क्योंकि मेरे फोन का कैमरा बहुत अच्छा है, वरना इनका पूरा मेकअप निकल चुका है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी चमक रही हूँ। मुंह धो के दिखाओ, वो मिलते हैं, मुंह धो के दिखाओ, वो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ ठीक है, बाय बाय। तो देखिए गाइस सब लोग जा चुके हैं, सब लोग चले गए, हमने बहुत सारा खाना खाया, बहुत एंजॉय किया। और अब मैंने अभी उठा है, तब तक हमने खाना खा लिया, तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आया हमें इसके बर्थडे में। और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद दें, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।
मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो बैंक्वेट वाला सीन है ना, 7 से 11 का फिक्स टाइम था। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप आधा घंटे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें बाहर जाना था क्योंकि उनको सफाई करना है, उनको सोना है, फिर सुबह उन्हें 4 बजे उठ के काम करना है। तो हम लोग बाहर आ गए, फिर बाहर आए थे थोड़ा सा मतलब जो कुकू लोगों की गाड़ी, उनके दादा लोगों को छोड़ने गई थी, फिर घर वापस से आए थे, उसमें टाइम लग गया। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, अब हम ये बाहर पार्किंग वगैरह में ही थोड़ा टाइम पास कर लें, तो बस ये वेट कर रहे हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं और मैं क्या आपके लिए बनाऊं। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, और जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी हम बच्चों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, पर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।